हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट गैजेट और न्यू इनोवेशन की जर्नी टेक्नोमेकर्स में। गाइस, बचपन में आपने बाईसाइकिल तो बहुत चलाई होगी और आप में से ज्यादातर अभी भी इसका यूज करते होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्मार्ट गैजेट्स के बारे में जिन्हें आप अपनी नॉर्मल बाईसाइकिल में यूज करके एक स्मार्ट बाईसाइकिल में कन्वर्ट कर पाएंगे और अपने बाईसाइकिल राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो इन्हें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही मजेदार गैजेट्स की वीडियो मिलती रहे और हो जाइए तैयार इस अमेजिंग जर्नी के लिए। गाइस, शुरुआत करते हैं गैजेट नंबर 1 लूमोस हेलमेट से। गाइस, इसे आप नॉर्मल डे में राइडिंग करने के लिए यूज तो कर ही सकते हैं, साथ ही अगर आप नाइट में राइडिंग करना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस हेलमेट में आपको दोनों साइड्स पर इंडिकेटर लाइट्स और पीछे की तरफ ब्रेक लाइट मिल जाती है। और जब आप इसे डार्क नाइट में पहनकर निकलते हैं तो इसमें लगी लाइट्स आपके पीछे चलने वाले व्हीकल्स को आसानी से नजर आ जाती है। और इन लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको इसके साथ एक वायरलेस रिमोट भी मिल जाता है, जिससे आप अपने मुताबिक लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स को ऑन कर सकते हैं और अपने पीछे चलने वाले व्हीकल्स से सेफली राइड कर सकते हैं। साथ ही ये लाइट्स नाइट में राइडिंग करते हुए काफी अट्रैक्टिव भी लगती है। तो गाइज, अगर आप भी इस हेलमेट को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में अभी जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। गाइज, नंबर 2 पर हमारे पास आता है स्मार्ट हेलो। गाइज, ये एक लाइट वेट स्मार्ट गैजेट है जो आपकी बाईसाइकिल के हैंडल में आसानी से फिट हो जाता है और इसे आपको अपने स्मार्टफोन से ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट कर देना होता है। गाइज, इसमें आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर नेविगेशन की मदद से आपको आपके सेट किए हुए डेस्टिनेशन तक गाइड करती है। साथ ही आपको इसमें नाइट में राइडिंग करने के लिए एक लाइट भी मिल जाती है और वेदर अलर्ट का फीचर भी मिल जाता है, जो मौसम के खराब होने पर या बारिश होने पर आपको किसी सेफ प्लेस में जाने के लिए अलर्ट कर देता है। साथ ही आप इसमें मिलने वाले कॉल असिस्टेंट फीचर की मदद से अपने स्मार्टफोन में आने वाली कॉल्स को इसके डिस्प्ले में देख सकते हैं और इसे यूज़ करने के बाद आपको इसे बार बार निकालने या लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको एंटी थेफ्ट अलार्म भी मिल जाता है जो आपकी बाईसाइकिल को आपके जाने के बाद भी सिक्योर रखता है। तो ओवरऑल ये गैजेट बाईसाइकिल लवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। गाइज, आपको ये गैजेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज, नंबर 3 पर है रेबो लाइट्स। गाइज, ये नाइट राइड एलईडी लाइट्स हैं जिन्हें आप डार्क नाइट में बाईसाइकिल चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। गाइज, इसमें आपको लाइट के 2 सेट मिलते हैं जिन्हें आपको अपनी बाईसाइकिल के दोनों टायर्स पर लगा देना होता है, जिसमें आपको फ्रंट टायर में वाइट और बैक टायर में रेड लाइट का ऑप्शन मिलता है और ये आसानी से किसी भी बाईसाइकिल में इंस्टॉल हो जाती है। तो गाइज, जब आप इन्हें ऑन करके नाइट में राइडिंग के लिए रोड पर निकलते हैं तो इससे आपकी बाईसाइकिल अट्रैक्टिव तो लगती है ही, साथ ही ट्रैफिक में दूर से ही नजर आ जाती है और डार्क नाइट में आपकी राइडिंग को सेफ बनाती है। तो अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर अभी इसे परचेज कर सकते हैं। गाइज, नंबर 4 पर है इलेक्ट्रॉन व्हील। गाइज, वैसे तो मार्केट में बहुत सी इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज, अगर आप भी अपनी नॉर्मल बाईसाइकिल को एक इलेक्ट्रिक स्मार्ट बाईसाइकिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन व्हील। गाइज, ये एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हील है जिसे आपको बस एक बार अपनी बाईसाइकिल में फिट कर लेना होता है और इसके बाद आपकी नॉर्मल बाईसाइकिल एक इलेक्ट्रिक स्मार्ट बाईसाइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। गाइज, इसकी मदद से आप अपनी बाईसाइकिल में 20 माइल पर आवर की टॉप स्पीड से राइड कर पाएंगे। साथ ही इसे एक बार चार्ज करने के बाद आप इसमें 30 माइल तक आराम से राइड कर सकते हैं और इसमें आपको एक्टिव हिल असिस्टेंट फीचर भी मिल जाता है, जिससे आप चढ़ाई वाले रास्तों पर भी अपनी बाईसाइकिल को आसानी से राइड कर पाएंगे। गाइज, इसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का फीचर भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी बाईसाइकिल को इसमें लगे GPS की मदद से ट्रैक कर पाएंगे। गाइज, नंबर 5 पर है रियर व्यूज SL15। गाइज, नॉर्मली बाईसाइकिल में आपको रियर व्यू मिरर देखने को नहीं मिलता, जबकि ये रोड्स पर चलने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो गाइज, अगर आप भी अपनी बाईसाइकिल राइडिंग को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ये रियर व्यूज SL15 मिरर। गाइज, ये एक लाइट वेट पोर्टेबल मिरर है जिसे आप राइडिंग करते वक्त
अपने हाथ में पहन सकते हैं। गाइज इसे आप रोड पर चलने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही अगर आप एडवेंचर वाले रास्तों पर जाना पसंद करते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये अफोर्डेबल भी है। तो गाइज अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर अभी इसे परचेज कर सकते हैं। गाइज नंबर 6 पर है स्टॉम पंप। गाइज कई बार बाईसाइकिल चलाते समय टायर अचानक पंक्चर हो जाता है और हर समय अपने साथ एक बड़े पंप को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है और ऐसी सिचुएशन में बाईसाइकिल को ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो गाइज अगर आप भी ऐसी सिचुएशंस में फंसने से बचना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ये स्टॉम पंप। गाइज ये एक छोटा सा पोर्टेबल पंप है जिसे आप अपनी बाईसाइकिल में कहीं भी कैरी कर सकते हैं, साथ ही आपको इसे चलाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना होता। इसे टायर में लगाकर आप अपने एक पैर का इस्तेमाल करके किसी नॉर्मल पंप के कंपैरिजन में 3 times फास्टर हवा भर सकते हैं। गाइज इसमें एक एयर फिल्टर भी मिलता है जो पंप में एयर को फिल्टर करके भेजता है और इससे पंप लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होता। तो गाइज अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर अभी इसे परचेज कर सकते हैं। गाइज नंबर 7 पर है स्काई लॉक्स। गाइज बाईसाइकिल को हम आसानी से कहीं पर भी पार कर लेते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके आने के बाद आपको अपनी बाईसाइकिल उसी जगह मिले। तो गाइज आप अपनी बाईसाइकिल को सिक्योर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्काई लॉक का। गाइज इस लॉक में आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से हमेशा कनेक्ट रहता है और जब भी आप अपनी बाईसाइकिल के एक छोटी डिस्टेंस में होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है और इसमें लगी बैटरी को बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता क्योंकि ये इसमें लगे सोलर सिस्टम की मदद से ही चार्ज हो जाती है। साथ ही इसमें आपको एक एंटी थेफ्ट फीचर भी मिल जाता है जिससे अगर कोई आपकी बाईसाइकिल को चोरी करने की कोशिश करता है तो आपको आपके स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन मिल जाता है और अगर आपके पास कभी स्मार्टफोन ना हो तो आपको इसमें एक टच पैड मिल जाता है जिसमें आप पासवर्ड डालकर भी इसे अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है जो एक्सीडेंट या क्रैश होने पर आपके स्मार्टफोन में हेल्प के लिए एक मैसेज देता है और अगर कभी आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स आपकी बाईसाइकिल यूज़ करना चाहे तो आप इस लॉक का पासवर्ड उन्हें अपने स्मार्टफोन से सिक्योरली भेज सकते हैं। गाइज नंबर 8 पर है टर्बो स्पोक। गाइज नॉर्मली बाईसाइकिल चलाते समय उससे कोई भी साउंड नहीं निकलती और कभी कभी ये बोरिंग भी लगने लगता है, तो अगर आप भी अपनी बाईसाइकिल से बाइक जैसी साउंड निकालना चाहते हैं और अपने राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ये टर्बो स्पोक। गाइज इसके लिए आपको इस डिवाइस को अपनी बाईसाइकिल में फिट कर लेना होता है और इसके बाद इसके साथ मिलने वाले 3 साउंड कार्ड में से किसी एक साउंड कार्ड को इस पर लगा देना होता है और इसके बाद जब आप बाईसाइकिल को चलाएंगे तो इससे एक स्पोर्ट बाइक जैसी साउंड निकलेगी जो बाईसाइकिल चलाते समय काफ़ी मज़ेदार लगती है। गाइज आप इसके साथ मिलने वाले कार्ड्स को चेंज करके अलग अलग साउंड्स का मज़ा भी ले सकते हैं और अपने राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। तो गाइज अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर अभी इसे परचेज कर सकते हैं। गाइज नंबर 9 पर है हेक्सागन। गाइज इस डिवाइस की मदद से आप अपनी बाईसाइकिल को स्मार्ट और अपनी राइड को सेफ बना सकते हैं। इसके लिए आपको इस डिवाइस को अपनी बाईसाइकिल की सीट के नीचे फिट कर लेना होता है और अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना होता है। गाइज इसमें आपको साइड ब्लिंकर्स और ब्रेक लाइट मिल जाती हैं जो दूर से ही आसानी से नज़र आ जाती है और इन्हें कंट्रोल करके आप अपने पीछे आने वाले व्हीकल्स को अपने जाने की डायरेक्शन बता सकते हैं और सेफली राइड कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें एक रियर व्यू कैमरा मिल जाता है जिससे आप अपने पीछे आने वाले ट्रैफिक को अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले में ही देख सकते हैं। गाइज इसमें पेरेंटल कंट्रोल फीचर भी मिल जाता है जिससे पेरेंट्स उनके बच्चे की स्पीड को और लोकेशन को लाइव ट्रैक करके देख सकते हैं। साथ ही आपको इसमें एक लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे आप इसमें लगे कैमरे की मदद से अपनी राइडिंग और राइडिंग ट्रिक्स को अपने फ्रेंड के साथ लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और इसे बाईसाइकिल में लगाना और निकालना भी आसान है जिससे आप इसे अपने फ्रेंड को भी यूज करने के लिए आसानी से दे सकते हैं। तो गाइज ये गैजेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज नंबर 10 पर है सुवोल्टा बैग।
गाइस वैसे तो बाइसाइकिल चलाते समय बैकपैक को कैरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप कभी रिलैक्स होकर बाइसाइकिलिंग करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं ये स्वोल्टा बैग। गाइस ये एक फोल्डेबल बैग है जिसे आप अपने बाइसाइकिल के हैंडल में इजीली कैरी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे अनफोल्ड करके एक नॉर्मल बैकपैक की तरह सामान कैरी करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर अभी इसे परचेज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा गैजेट सबसे अच्छा लगा। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको ऐसे ही मजेदार गैजेट्स की वीडियो मिलती रहे। तो मिलेंगे ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।